कोर्ट के अंदर अभी तक क्या कुछ हुआ, क्या दलीलें दी गई हैं? नीट मामले में कोर्ट अभी ओवरऑल जो कंट्रोवर्सी की डेप्थ है उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही है, जिसमें से बड़े सारे क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि एनटी के द्वारा काउंटर एफिडेविट फाइल हो चुका है। काउंटर एफिडेविट फाइल होने के बाद कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो कि अभी भी, अगर आप कहें कि सब स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल रिजल्ट था वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, विदाउट एनालिटिकल डेटा एंड द इंटायर रिजल्ट्स वी आर बिफोर द कोर्ट एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक नॉट सफिशिएंट डेटा विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एनटीए इन द फॉर्म ऑफ इंटायर रिजल्ट नॉट इन पब्लिक डोमेन टू आर्ग्यू टू बेस द आर्ग्यूमेंट्स ऑन द सेड एस्पेक्ट्स व्हाट वर द एनोमलीज दैट हैज बीन डन मैलिस दैट वाज द पार्ट ऑफ द रिजल्ट्स सो इन द एब्सेंस ऑफ द इंटायर डेटा और द रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वी आर फीलिंग स्लाइट डिफिकल्टी बिकॉज दैट रिजल्ट शुड हैव बीन कम इन द पब्लिक डोमेन टिल नाउ। दूसरा आस्पेक्ट ये है कि सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट आई है, अब आप देखें कि तन्वी सारवाल का जो केस था 2015 में डेंटल यूजी का एग्ज़ाम जो रिकंडक्ट किया गया था उसमें 70-80% इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। उस इन्वेस्टिगेशन में ये आया था कि पेपर लीक कैसे, लीकेज कैसे हुआ था। अब सीबीआई जब इन सारी केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो इवन लास्ट टाइम भी कोर्ट से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ इस आस्पेक्ट पे कि लोकल है या वाइड स्प्रेड है, जैसे हमने बताया कि टेलीग्राम चैनल पर पेपर आ चुका था सुबह 5 बजे 5th of May 2024 और वही पेपर जो स्टूडेंट्स के हाथ में आया 2 बजे एग्ज़ाम देने के लिए, और अगर एक पेपर पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पे घूम रहा है सुबह के टाइम पे और जो स्टूडेंट्स के कुछ स्टूडेंट्स के हाथ में है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि एक पेपर सोशल मीडिया पर है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लोकलाइज है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप पे एक कोई मैसेज आता है या पेपर आता है तो वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स कैन बी वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, सो इट्स नॉट ए लोकलाइज केस, ये लोकलाइज नहीं है और एग्जाम को रिकंडक्ट करना ही सॉल्यूशन है। आपका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या है और साथ में एनटीए कैसे कोर्ट के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड? देखो, ओवरऑल ऑल ऑब्जर्वेशन ये है कि एनटीए ने काउंटर एफिडेविट में एक तो अपना स्टैंड ये लिया कि लोकलाइज लीक है, कुछ जहां पर चीज़ें थी उन जहां पर लीकेजेस की बात थी उन्होंने अप्रोप्रिएट जो भी एक्शंस लेने थे पुलिस ने लिया है, और एनालिटिक्स के थ्रू वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वाइड स्प्रेड नहीं है, बट वो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। जो एनालिटिक्स हमारे पास हैं, जो एविडेंसेस और जिस सोशल मीडिया पब्लिकेशन की और सिस्टमेटिक लीकेज की हम बात कर रहे हैं, वो केवल एक स्टेट तक सीमित नहीं है, कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि अगर टेलीग्राम के ऊपर आपका पेपर आ जाता है तो वो लोकलाइज कैसे हो सकता है? इट्स नॉट ए केस ऑफ लोकलाइज लीकेज, इट्स ए केस ऑफ वाइड स्प्रेड लीकेज थ्रू आउट द कंट्री एंड इट्स अ सिस्टमेटिक लीकेज दैट हैज डन बाय द पीपल हु आर एंगेज्ड, हु आर इन ए सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टमेटिक जो एक उन्होंने पूरा सिस्टम को एक इम्पैक्ट किया है और ये वाइड स्प्रेड है, कोई लोकलाइज नहीं है। राइट नाउ द हियरिंग्स आर गोइंग ऑन इन द ऑनरेबल कोर्ट एंड आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द एनटीए, इन 2-3 रेस्पॉन्सेज हैव कम फ्रॉम द एनटीए लाइक द काउंटर एफिडेविट एंड द रिटन सबमिशंस वेर इन इट हैज बीन स्टेटेड दैट इट्स ए लोकलाइज केस, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट ए लोकलाइज केस, इट्स ए सिस्टमैटिक लीकेज दैट हैज बीन डन बाय सम कल्प्रिट्स हु आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। सो वंस द पेपर इज ऑन द पब्लिक डोमेन ऑन 5th of July एट 5 AM इन द मॉर्निंग एंड दैट द सेम पेपर विच वॉज इन द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग द एग्जाम, सो हाउ कैन दैट बी सेड दैट इट्स ए लोकलाइज लीकेज? इट्स नॉट ए लोकलाइज लीकेज एंड इट्स हैज वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट थ्रू आउट द कंट्री एंड इट इम्पैक्ट्स द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन विच रिक्वायर्स दिस एग्जामिनेशन टू बी रिकंडक्टेड अगेन। NTA is right now trying to answer of all the questions basing on one of the data analytics that they have conducted. But you see, when we even don't have the entire results and the data provided by the NTA, we should have the entire results of all the students. In the absence of all the entire result not coming in the public domain, how can we also analyze and apply our mind? So if the NTA is relying upon its own data analytics, we should also have been given the opportunity to have the data so that we could have applied our mind and data analytics at our end. So if you are selecting and hiding the major part of the data results, how can that be said
that the entire examination was full of integrity, which in my opinion is not there. Thank you. Thank you.